हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले हैं स्कैरी मैंशन। पिछले गेम प्ले में हमने इस गेम को इजी मोड में कंप्लीट किया था। इजी मोड में हमने इस स्कैरी मैंशन से स्केप किया था, लेकिन आज हम नॉर्मल मोड में इस स्कैरी मैंशन से स्केप करने वाले हैं। इजी मोड में तो ज़्यादा कुछ खास पजल्स बिल्कुल भी नहीं थी, बस हमें की ढूंढनी थी और मेन डोर के लॉक को खोलना था, स्केप करना था। लेकिन नॉर्मल मोड में ऐसा नहीं होगा, हमें बहुत सारे पजल्स को सॉल्व करना होगा। तो गेम को शुरू करके ही हमें पता चलेगा कि नॉर्मल मोड कैसा होने वाला है। तो गेम को कर लेते हैं शुरू। तो गाइस ये देखो, मोर पजल्स गेटिंग आउट इन डॉक्टर क्रू कैन हियर बैटर, डॉक्टर क्रू इज फास्टर, वी हैव अप टू 3 ट्राइज टू स्केप, डॉक्टर क्रू कैन क्रॉल एंड जम्प। ओ भाई, मतलब डॉक्टर क्रू अपनी ओपी फॉर्म में हमें पकड़ेगा। ओपी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी तो नॉर्मल मोड है, इसके बाद हार्ड मोड है। तो पहले मैं देखने वाला हूँ कि नॉर्मल मोड में गेम कैसा रहता है, हम स्केप कर पाएंगे या नहीं। और इसी के साथ गेम हो चुका हमारा शुरू। सबसे पहले मैं इधर की ड्रॉर चेक कर लेता हूँ। इन ड्रॉर में तो कभी कुछ मिलता ही नहीं, मुझे पता है आज भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक आदत जैसी बन गई है ड्रॉर को चेक करने की। देखो गाइस, कुछ भी नहीं था उधर। यहाँ पर एक रूम है, इसमें क्या है, इसमें फिर से कॉइन्स। यार इन कॉइन्स का मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे फालतू मिलते रहते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर डॉक्टर क्रू नहीं है, मैं इधर चेक कर लेता हूँ। इधर भी कॉइन्स मिले, इधर के ड्रॉर में इजी मोड में हमें एक की मिली थी, किचन की थी, वो स्मॉल की था शायद उसका नाम। फिलहाल तो यहाँ पर नहीं है, ऐसे लग रहा मुझे डॉक्टर क्रू आसपास ही है। फटाफट मैं यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, अरे तो एक अजीब सी पता नहीं क्या चीज है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस मैं देख लेता हूँ आसपास, डॉक्टर क्रू नहीं होना चाहिए। वैसे भी नॉर्मल मोड में काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका होगा, उसकी स्पीड काफी बढ़ गई होगी। जैसे कि हमको पता है वो नॉर्मल मोड में अच्छे से सुन भी सकता है, जंप कर सकता है, क्रॉल कर सकता है। भाई पता नहीं, अभी तक तो उसका सामना हमसे बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। फिलहाल मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। ओ तेरी भाई, गाइस शायद वो यहाँ पर आया हुआ था, उसने शायद वो अच्छे से चेक नहीं किया। अभी मैं देखता हूँ, ये देखो ऊपर जा रहा है। अरे भाई स्पीड तो लग रही है यार मेरे को उसकी, थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है। इसने शायद देखा नहीं, आवाज़ सुनी होगी तब आया वो, बाकी तो वो बिल्कुल भी नहीं आया। वो तेरी, फिर से आ गया, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, कहीं वो मेरे को देख ना ले। शायद उसने मुझे नहीं देखा है। तो मैं वापस से यहाँ पर आ चुका हूँ, मुझे फ़िलहाल तो कोई भी काम की चीज़ अभी नहीं मिली। थोड़ा टीवी से साउंड करके इसको यहाँ पर बुला लेता हूँ, जैसे यहाँ आएगा मैं ऊपर भाग जाऊँगा। ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ ना कुछ काम का ज़रूर होगा, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले फ्लोर पर होना ही चाहिए। शायद मुझे लग रहा है डॉक्टर क्रू टीवी के पास जा चुका है। तो गाइस हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और इधर कैबिनेट डोर में मैंने देखा कुछ भी नहीं है, और ये शायद बाहर जाने का रास्ता है। नहीं यार, ये तो बालकनी है, यहाँ से मैं नहीं जा सकता। ऊपर पे एक लैडर है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई पर है, मैं वहाँ पर पहुँच नहीं सकता। शायद मुझे कुछ चाहिए होगा। ये तो डोर लॉक्ड है, ये भी लॉक्ड है। यहाँ पर कुछ पिन कोड डलेगा, पता नहीं पिन कोड मुझे कहाँ मिलेगा। फिलहाल मैं पूरे घर को अच्छे से सर्च कर रहा हूँ, क्या पता मिल जाए कुछ काम की चीज़। ये तो शायद डॉक्टर क्रू का पर्सनल बेडरूम है, पर्सनल रूम है। भाई देखो कितना बड़ा है यार, बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर एक पुरानी अलमीरा है, उसमें भी कॉइन्स। इतने कॉइन्स का मैं करूँगा क्या, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। कॉइन्स पे कॉइन्स ही मिल रहे हैं मुझको। यहाँ की वेंट मैंने हटा दी, आप थोड़ा चेक कर लेता हूँ मैं। इधर कुछ ड्रॉर्स हैं। वो तेरी, ये क्या लगा मेरे हाथ में, इसमें कुछ नंबर टाइप लिखे हुए हैं, ये होगा क्या। यहाँ पर एक की भी है, फिलहाल की को छोड़ो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है जो मेरे हाथ पे क्या है, एक पुराना सा पेपर लग रहा है जिसमें कुछ लिखा है। कहीं इसका कनेक्शन पिन कोड से तो नहीं, क्योंकि इस पर नंबर्स लिखे हुए हैं।
अरे हाँ गाइस, अगर आपको याद होगा तो जब मैंने नीचे टीवी ऑन करी थी तो उस पर कुछ ऐसे साइन बन के आए थे जैसा इस पेपर पे बने हुए जो मेरे हाथ पे है। तो मुझे लग रहा है उस टीवी का और इस पेपर का कुछ ना कुछ लिंक तो ज़रूर है, इसलिए मैं अब सीधा नीचे उस टीवी के पास जाने वाला हूँ। मैं सीधा इस वेंट के जरिए नीचे आ चुका हूँ। ये बहुत बढ़िया रास्ता है फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाने का। तो मैं आ चुका हूँ। तो गाइस ये देखो, टीवी पे कुछ ऐसे अजीब से साइन बने हुए। ओ भाई ये क्या हुआ? वो तो मुझे ऐसा लग रहा है हमें इन साइन को मैच करना है और उनके आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो हमारा कोड होगा। हाँ तो गाइस कोड मैं देख चुका हूँ, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। जो पेपर था वो एक हिंट था, ये समझ लो आप, कि उससे हमें पिन कोड पता चल गया। तो अब जल्दी से जल्दी हमें जाना है वहाँ पर जहाँ पर वो कोड लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रूम बेडरूम की पड़ी हुई है, इसे भी ले लेता हूँ। ये कि मुझे नहीं पता ये कहाँ पर लगेगी, अब इसको लेके जाएंगे फिर ही पता चलेगा। मैंने अभी कौन सा रूम चेक नहीं किया, मुझे ये देखना होगा। लेकिन सबसे पहले मैं पिन यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो वो पिन है 7605। अरे क्यों नहीं हुआ? अच्छा मैं ओके दबाना भूल गया था। तो गाइस ये देखो, ये रूम ओपन हो चुका है, अनलॉक हो चुका है। भाई यहाँ पर एक बॉल पड़ी हुई है, बास्केटबॉल। इसका मुझे क्या करना है फिलहाल पता नहीं, ये की कहाँ पर लगेगी, यहाँ पर तो नहीं लग रही है। गाइस ये वाले रूम को मैं बाद में चेक करूँगा जहाँ पर वो बास्केटबॉल पड़ी हुई थी। शायद मैंने कोई रूम छोड़ दिया। हाँ यहाँ पर एक रूम और है, वो तेरी जो मेरे को की मिली थी वो यहाँ पर लग गई। यही है रूम बेडरूम। गाइस देखो, इजी मोड में इस रूम के लिए कोई की नहीं चाहिए थी, ये पहले से खुला मिलता था। लेकिन नॉर्मल मोड में आप देख सकते हो इसको खोलने के लिए भी एक की चाहिए होती है। और यहाँ से मैं नीचे इस कार के ट्रंक में आया। गाइस ये एक स्टफ्ड एनिमल है और पता नहीं इसका यूज़ कहाँ पर होगा। ओ तेरी भाई, यहाँ से भागना पड़ेगा। डॉक्टर टू ने शायद मेरे को देख लिया, मैं यहाँ से भाग लेता हूँ जल्दी से जल्दी। एक काम करता हूँ, इस सीक्रेट से रास्ते से सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर चलता हूँ। मुझे लग रहा है डॉक्टर क्रो भी यहाँ से आ सकता है, क्योंकि मैंने पढ़ा था नॉर्मल मोड में टिप्स में वो क्रॉल कर सकता है, जंप कर सकता है। अभी मैंने अपनी आंखों से तो उसको देखा नहीं ये सब करते हुए, लेकिन क्या पता वो कर सकता होगा। अगर टिप्स में लिखा है तो झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ यार गेम वाले। तो मैं इस रूम में आ चुका हूँ, ये रूम मैंने अभी तक चेक नहीं किया। यहाँ पर कुछ कैबिनेट हैं, इनमें कुछ काम का मिल जाए मुझको। कुछ भी मुझे खास यहाँ पर नहीं मिल रहा है, बस ये कॉइन्स ही मिलते जा रहे हो। गाइस ये क्या है भाई, किसी रेनडियर की खोपड़ी है, काट कर वहाँ पर लगाई हुई है। और ओ भाई यहाँ पर एक फोटो है, और ये क्या है, ब्लैंक शील्ड। ओ भाई जो मुझे स्टफ्ड एनिमल मिला था मैंने इसे वहाँ पर लगा दिया, अब इसे लगाने से क्या होगा भाई? यहाँ पर कोई सीक्रेट सा रास्ता खुलेगा क्या? पता नहीं यार, वो स्टफ्ड एनिमल मैंने वहाँ पर लगाया है, इसका क्या? ओ तेरी क्या पेंटिंग। अरे भाई इस पेंटिंग के पीछे मुझे एक स्मॉल की मिल गई है। और गाइस अगर आपने हमारी पहली गेम प्ले वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये की कहाँ पर यूज़ होती है। लेकिन एक मिनट, एक गैप, नहीं मैं यहाँ से अंदर नहीं जा सकता। तो गाइस मैं ये कह रहा था कि स्मॉल की इजी मोड में जब हमने इस गेम को खेला था हमको वहाँ पर मिली थी, और स्मॉल की लगती है किचन में। तो इससे हम किचन का डोर अनलॉक कर सकते हैं, और किचन में एक बोल्ट कटर है, उसका यूज़ पता नहीं कहाँ पर होगा। थोड़ा मैं साउंड करके डॉक्टर क्रू को यहाँ पर बुला लेता हूँ। ये क्या, वो भाई मेरी की कहाँ गई? अरे यार मैंने यहीं पर तो ड्रॉप की थी। अरे भाई कहाँ गई? ये रही। ओ तेरी भाई, ये तो उसके नीचे ही छुप गई थी। थोड़ी देर के लिए तो मैं डर ही गया था कि मैंने अपनी की से हाथ धो बैठे। वो तो सही, वो मिल गए मुझको। तो गाइस अब मुझे चलना है सीधा किचन की ओर। की मेरे पास है और मुझे लगता है किचन में कुछ खास मिल ही जाना चाहिए, कुछ ज़रूरी सामान जो हमारी मदद करे यहाँ से स्केप करने में। फिलहाल फ्रिज के अंदर तो कुछ भी नहीं है, इन ड्रॉर्स में भी कॉइन्स हैं। भाई मुझे इन कॉइन से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए ना जो काम की हो, जिसके ज़रिए मैं यहाँ से स्केप कर सकूँ।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है फिलहाल तो यहाँ पर। ये देखो गाइस, एक बोल्ट कटर मुझे मिल चुका है। अब इसका यूज़ कहाँ पर होगा अभी मुझे ये नहीं पता। अब आगे चल के पता चलेगा जैसे जैसे मैं इस घर को एक्सप्लोर करूँगा। फिलहाल के लिए मैंने अपने पास ही रखा हुआ है बोल्ट कटर। इसका यूज़ कहाँ पर होगा? एक बार मैं मेन डोर पर जहाँ जाकर देखता हूँ जहाँ से मैं इस घर के अंदर आया था। लाया गया तो भाई डॉक्टर क्रो, भाई इसकी स्पीड ज़्यादा है यार, मुझे यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो गेम यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं दूसरे रास्ते से, किचन के रास्ते से होते हुए बाहर जाऊँगा। हाँ तो वो शायद मेरे रूम में है डॉक्टर क्रो, और मैं आ चुका इस बोल्ट कटर को लेके यहाँ पर। अरे भाई मेन डोर पे एक गेट लगा हुआ है यार, अब मैं यहाँ से कैसे बाहर जाऊँगा? इस गेट को अनलॉक करने के लिए मुझे कुछ चाहिए होगा। ऐसा क्या चाहिए होगा यार? ये बोल्ट कटर तो है मेरे पास, इसका यूज़ कहाँ पर होगा? तो मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा मुझे क्या करना है। गाइस आपको याद होगा मुझे एक बॉल भी मिली थी ना, बास्केटबॉल, इस रूम में मिली थी। हाँ अरे इसका डोर बंद ही नहीं होता है क्या? चलो छोड़ो, बोल्ट कटर तो यहाँ पर यूज़ होगा नहीं यार, तो फिर कहाँ पर होगा? ये तो लॉक्ड है। तो गाइस ये रही वो बॉल, इसका यूज़ कहाँ पर होगा? और गाइस ये देखो एक रेड रूम है भाई, ये यहाँ पर शायद डॉक्टर क्रो अपने एक्सपेरिमेंट्स करता होगा। भाई स्ट्रेचर लगाया उसने वहाँ पर। तो मैं पहले बॉल को उठा लेता हूँ, इसका क्या यूज़ होगा? क्या मैं इससे डॉक्टर क्रो पे अटैक कर सकता हूँ? क्योंकि इस गेम में कोई वेपन तो है नहीं, तो शायद ये बॉल ही वेपन हो सकती है। अभी जब मैं इसका यूज़ करूँगा तो मुझे तभी पता चलेगा ये वेपन है कि क्या है। अरे भाई इसको मैं फेंक सकता हूँ। अरे एक मिनट एक मिनट, मेरी समझ में कुछ ना कुछ आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। यहाँ पर ये बटन है, क्या मैं इसको इस पर फेंक सकता हूँ? ओ भाई गेट खुल गया, मैंने बिल्कुल सही सोचा था। मैंने उस बटन पे बॉल फेंक के मारी और एक गेट खुल गया। और फिलहाल पहले मैं डॉक्टर क्रो को देखता हूँ, वो आसपास नहीं, यहाँ से भागो। अरे यहाँ पे चैन लगी हुई है, तो अब मुझे समझ आ गया मुझे बोल्ट कटर यहाँ पर चाहिए। तो गाइस हमारा काम बन चुका है, लेकिन मेरे पास की नहीं है यार, वो की रिंग नहीं है जिससे वो पैडलॉक खुलता है। अब वो मुझे कहाँ पर मिलेगी? शायद नीचे मेन डोर के पास जो ड्रॉर रखे हुए हैं, मुझे लगता है उनमें मुझे वो की रिंग मिल जाएगी। तो जल्दी से चलते हैं, इस चेन को कट करते हैं। नहीं है नहीं है, डॉक्टर को वो देख रहा था मैं, यहाँ पे कॉइन है। ओ भाई यहाँ पर की रिंग नहीं है, अब क्या होगा? अरे ऊपर पैडलॉक तो लगा ही नहीं है, इसका मतलब मैं यहाँ से स्केप कर सकता हूँ। तो गाइस इसी के साथ, अभी नहीं अभी नहीं, अभी स्केप नहीं हुआ है। अब वैसे तो मुझे पता है स्केप हो जाएगा, ये अपने मैंशन से बाहर नहीं आ सकता है। ये ले भाई। तो इसी के साथ गाइस हम नॉर्मल मोड में इस गेम में स्केप कर चुके हैं। तो अगर ये गेम प्ले आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अभी तो उसका हार्ड मोड अनलॉक हो चुका है, उसको भी हम अगली गेम प्ले में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे सीधे अगली गेम प्ले वीडियो में, बाय।